आप लोग देर से जाएंगे कहीं भी, समय का पालन करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ते हैं अपन नहीं पकड़ते, ट्रेन में बैठते हैं कि ट्रेन पकड़ते हैं, तो ट्रेन में यदि हम बैठने जा रहे हैं, कहीं हमको दिल्ली बम्बई जाना, वह आप बन गए कलेक्टर और लेट हो गए, तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी कि ट्रेन इंतज़ार करेगी? ट्रेन छूट जाएगी। पेपर देने जाना आपको, परीक्षा देने, और 10:30 बजे 2 बजे आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब आपको पेपर देने जाना है ना, और आप लेट हो गए, बेटा बात नहीं करो, आप लोग देर से पहुंचे पेपर देने, है ना, तो पेपर मिलेगा आपको? एक साल आप क्या हो जाएंगे? पीछे हो गए एक साल, है ना, फेल हो गए। अब आपका एक साल वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए समय का महत्व, ये जो पीछे खड़े हैं आप लोग, ये जो लेट हो गए हैं, लेट वालों अपना अपना नाम बताओ भैया, कौन कौन लेट? इसमें से कलेक्टर कितने हाथ उठाओ बताओ? 2 कलेक्टर लेट हो गए। अरे राम राम राम, बताओ। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना, ये कलेक्टर भी बदल गए, बताओ लेट हो गए। कलेक्टर लेट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि कलेक्टर को तो पूरे जिले को संभालना है। चपरासी लेट हो जाए तो चल जाएगा। चपरासी कौन कौन है इसमें से, हाथ उठाओ। चलो कोई नहीं, चपरासी है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, कल से समय पे आना अपन को, 4:30 बजे, मतलब 4:30 बजे, हाँ, कल अपना कार्यक्रम है इसलिए, ठीक है, अपन जल्दी आ सकते हैं, शुक्रवार है तो, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, ठीक।